भोपाल नाथ योगी समाज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में नाथ योगी समाज निवास करता है और वह भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण निष्ठा एवं भाव के साथ जुड़ा है और कार्य कर रहा है, लेकिन आज तक पार्टी ने उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नहीं नवाजा। इस बार नाथ योगी समाज ने भी लोकसभा में टिकट की मांग करते हुए भोपाल से महापौर चुनाव में रही निर्दलीय प्रत्याशी सीमानाथ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए नाथ योगी जोगी समाज ने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में सीमानाथ को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। नाथ योगी समाज के योगी राज देवेंद्र ने बताया कि सीमानाथ योग्य और कर्मठ जुझारू नेत्री हैं। उन्हें भोपाल महापौर चुनाव में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, तो पार्टी अगर टिकट देती है तो भोपाल में निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित होगी। उनका टिकट मिलता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में नाथ योगी समाज का सम्मान भी बढ़ेगा और नाथ योगी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ऋणी भी रहेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है कि हमारी छोटी सीमाओं को अवश्य पूरा करेंगे। इस अवसर पर कई नाथ योगी समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे मध्य प्रदेश की योगी नाथ समाज की मांग है कि भोपाल से बहन सीमानाथ जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेत्र का बहुत बहुत आभार रहेगा और निश्चित ही हम मोदी जी के नेतृत्व में बहन सीमानाथ को भोपाल की सीट पर विजय होकर उनके सानिध्य में लोकसभा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम विरोध में नहीं जाएंगे। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मतलब ये है कि शुरू से नाथ योगी समाज जो है भगवा का समर्थन करती आई है आदिकाल से। मतलब देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता पर भी, मतलब ये है कि 295 साल तक, मतलब ये है कि नाथ योगियों का राज रहा है। अभी मेरे पास ये कुछ इस तरीके से प्रमाण है। एक दिल्ली की खोज नामक पुस्तिका के अंदर, मतलब इसमें वर्णन किया गया है ईस्वी 2804 से लेकर 1123 ईस्वी तक 292 साल तक, मतलब यह है कि नाथ योगियों का राज रहा है। तो मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से हम शुरू से, मतलब भगवा के रूप में, मतलब जुड़े रहे हैं, सनातनी के रूप में कार्य किया है और आगे भी, मतलब विरोध में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हित में ही काम कार्य करेंगे। जी जी बिल्कुल, अभी हमारी बहन पिछले अभी दिनों दिल्ली होकर आई हैं और यहाँ भी, मतलब ये है कि वरिष्ठ नेतृत्व से मध्य प्रदेश में भी चर्चा हुई है और दिल्ली में भी चर्चा हुई है। नहीं, इस तरीके से अभी तक प्राथमिकता नहीं दी गई, इसी के लिए मतलब ये प्रयास, हमारी मांग है।